आजकल वार्ता का क्लास धीरे धीरे ठंडा होता है। अरे लिंगम के बारे में क्या प्रश्न है? दिया ज्ञान की ज्योति, ज्ञानी तू आत्माए है जिन्होंने बाप के ज्ञान को विशेष धारण किया हुआ है, अथवा परमात्मा बाप जिनमें विशेष रूप से प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। जोर से बोलो, सब सुनो। जैसे यहाँ बेसिक नॉलेज में बहुत से ऐसे हुए कि ब्राह्मणों का जो काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और मंथन करके नई नई बात निकालना, वो काम नहीं किया। मान मर्तबा लेकर के बैठ गए। तो जो असली पुरुषार्थ है वो किया नहीं, और वो असली पुरुषार्थ कोई बैगरी पार्ट बजाने वाली आत्मा ने कर लिया। वो कंट्रोल ही करते रह गए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, राजाई चलाना, डायरेक्शन झाड़ना, इससे भाग्य बनता है या बिगड़ता है? बिगड़ता है। यहाँ तो ब्राह्मणों का बाप खुद कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप बच्चों का सर्वेंट बनकर के आया हुआ है, और बच्चे अपनी राजाई समझ करके बैठ जाए कि सबको मेरे कंट्रोल में चलना है, तो उनका भाग्य बिगड़ जाता है। जो सच्ची कमाई करना चाहिए वो सच्ची कमाई नहीं करते, झूठे ही एक जन्म के मान मर्तबे में फंस जाते हैं। तो उनके ऊपर जैसे ईश्वरीय सेवा का कर्जा करता है, और जो सच्चे ब्राह्मण है वो बाजी मार जाते हैं। इसलिए बोला, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले अर्थात जो सरेंडर होकर के चल रहे हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं हम तो ईश्वर के बच्चे बन गए, ईश्वरीय कार्य में सरेंडर हो गए, हमारा दुनियावी धंधे धो रहे थे कुछ लेना देना नहीं, और अंदर से माल मतबा लेकर के बैठ जाते हैं। तो दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, फिर आयतों की प्राप्ति कट हो जाती है। सत्युग के आखिरी जन्मों में राजाई पद तो पाएंगे, लेकिन वो राजाई उनकी डूब जावेगी, कर्जे में डूबेगी। यहां उसकी शूटिंग हो जाती है। सेवेंटी सिक्स में राम वाली आत्मा विश्व का मालिक घोषित हो जाती है, और उन्हें एहसास होता है कि हमने जो प्राप्ति करनी थी वो नहीं कर सके, हम घाटे में आ गए। बुद्धि चक्रित हो जाती है,
इतना चक्कर खा जाती है कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है। तो शूटिंग के हिसाब से सत्युग का जो आखिरी महाराजा बनेगा उसको अपनी सारी राजाई कर्जे के आधार पर राम वाली आत्मा को सौंप देनी पड़ेगी। कुल कलंकित तो बन जावेंगे, नारायण का कुल, नारायण का राज्य खलास और राम का राज्य शुरू हो जाता है। साढ़े चार लाख में से कुछ आत्माएं बुद्धियोग से ही परम धाम को इस शक्ति पर उतार लेती है। जो बुद्धियोग से इस शक्ति पर परम धाम को उतारती है उनकी संख्या है 4.5 लाख। राधे कृष्ण वाली आत्मा, राधे कृष्ण वाली आत्माएं तो उनमें प्रवेश होकर के पाठ बजाती है तो संग का रंग लग जाता है, नंबर वार संग का रंग लगता है। वो बुद्धि की स्टेज उनकी ऐसी बन जाती है, जो आधार की स्टेज वो आधे की स्टेज। तो 9 लाख परम धाम की स्टेज का अनुभव कर लेते हैं, इसलिए 2036 तक जनसंख्या कितनी हो जाती है? 9,16,108। बाकी लास्ट में तो सबको एक साथ जाना ही पड़े। जाने आने की बात कहाँ होती है, वो तो बुद्धि की स्टेज की बात है। अभी भी कोई अनुभव करते हैं कि हमारी बुद्धि की स्टेज बहुत ऊंची बनती है, बहुत अनुभव करते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बुद्धि ऊपर टिकती नहीं, नीचे आ जाती है। देह के और देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर जाती नहीं, इसलिए कपाल को कहते हैं सहस्त्रसार, कि मनुष्य के शरीर में ही ब्रह्मांड है। वो ऊपर है या नीचे? आत्मा की ऊंची स्टेज की बात है, नहीं तो ये बात मुरली में नहीं कही जाए कि तुम बच्चे परम धाम को इस शक्ति पर उतार लेंगे। पांच सौ सात सौ करोड़ आत्माएं तो जाएंगी ही परम धाम की स्टेज में। कहा नहीं जाएंगी परम धाम? बुद्धि की स्टेज अगर ऐसी परम धाम की स्टेज निराकारी स्टेज बन गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाए तो जाने आने की बात रह जाती है क्या? ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड माना कोई ऐसा स्थान नहीं है अलग से, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है,
वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परम धाम है, तो कोई एक दिशा में है, ये चारों ओर है। आत्मा एक दिशा में रहेंगी जाल बना करके, या उनकी स्टेज की बात है। पृथ्वी के पांच तत्वों से परे होने की बात है। तो बताया गया है वो तो समझाने के लिए वहाँ भी गोल चक्कर दिखा दिया है, ऐसा गोल चक्कर इसीलिए दिखा दिया है कि परे से परे स्टेज की बात बताई गई। जैसे पौधे हैं, पेड़ हैं, इनमें भी आत्मा है, लेकिन एक जस्ट में ही आत्मा है। वो आत्मा पृथ्वी के वलय के नजदीक रहेगी और बुद्धि में जो जितनी तीखी होंगी वो उतनी दूर रहेंगी, कम बुद्धि वालों को घेर करके रहेंगी। इसलिए ईश्वर कहा जाता है, ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। तो नंबर वार श्रेष्ठ शासन करने वाले हो गए, सुप्रीम सोल है ईश्वर, सुप्रीम गॉड फादर, उसकी सुपरमेसी को कोई काट नहीं सकता, प्रजापिता वाली आत्मा भी नहीं काट सकती। वो परे से परे की स्टेज में रहने वाला है। फिर है नंबर बात, नंबर बात वो 500-700 करोड़ आ जाते हैं। सोना चांदी नहीं रहेंगे वो, अभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे है तो कभी कहा नहीं। स्थूल तरीके से कुछ नहीं रहेगा, सूक्ष्म में उड़ता हुआ होगा, स्थूल ही होगा। अभी सारी खानियां जब त्रेता युग के अंत में अर्धविनाश हुआ तो सारी सोने चांदे हीरे जवाहरातों की खानियां जमीन के अंदर चली गई। अभी संपूर्ण विनाश होगा तो खानियां फिर से भरती हो जाएगी, अंदर का बाहर और बाहर का सब अंदर हो जाएगा। और अरे भरपूर होगा, यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों पे, जौहरियों की बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो थोड़ा देखने को मिलता है, और वहाँ तो ढेर के ढेर लगे पड़े होंगे। किस तरीके से यूज करेंगे, अभी सोने की महल नहीं बनेंगे, वस्तु भी नहीं रहेंगे। महल किस लिए बनाए जाते हैं, कोई कारण होता है? ठीक है, वो रतन ये सब किस तरीके से यूज करेंगे? पहाड़ है, पहाड़ में प्राकृतिक रूप से गुफा बन गई पड़ी, उन गुफाओं में ढेर सारे लगे रहेंगे जो चमक मारते रहेंगे। उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाएंगे, आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं बनाई जाती वहाँ, सब काम प्रकृति मुहैया करती है, प्रकृति दासी बन जाती है। वो आत्मिक स्टेज को प्राप्त करती है, इसलिए उनकी आत्मा की स्टेज दिखाई है।
कैसा है जैसा उसके अंतिम में 33 देवी देवता 33 तो देवी देवता लगता है एक्चुअली कैसा कितने देवी देवता लगता है। पहली बात मुख्य ये है कि बीके और पीबीके में ये भारी अंतर है कि पीबीके जो है वो बाप की वाणी को पकड़ते हैं। क्या पीबीके के पास बाप की वाणी की पकड़ है और बीके के पास ब्रह्मा की पकड़ है, इसलिए वाणी को वो भूल जाते हैं। मुरली में लिखा है त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ आबादी होगी और बोला है कि कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती है। फिर बोला है 33 करोड़ में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक नीचे उतरती है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का नीचे उतरना बंद हो जाता। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार देखे जाते हैं विरल, जो हुजूम के हुजूम एक ही परिवार में पल रहे हैं। एक उनका मुखिया होता है और मुखिया की बात टालने की कोई भी हिम्मत नहीं होती और उस परिवार में इंप्योरिटी देखने में नहीं आती। ये पारिवारिक व्यवस्था जो भारतीय सनातन धर्म की पुरानी से पुरानी व्यवस्था है वो धर्म कभी लोप नहीं होता। क्या प्रायः लोप होता है? प्रायः लोप होने का मतलब बहुत करके लोप हो जाता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहता है। अगर बीके वालों की बातों में जाएं तो त्रेता के अंत से देवी देवता सनातन धर्म खलास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबा गीता है सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं। सर्व शास्त्र शिरोमणि, हाँ जी, बोलो बोलो धड़ाके से बोलो। जो बोलो सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं इसका मतलब सर्वशास्त्र शिरोमणि का मतलब क्या है? शिरोमणि सर्वशास्त्रों का जो सिर है उन सिरों की भी ऊपर की मणि है, माने सर्वोपरि है। लेकिन गीता जब खंडित हो जाती है तो उससे नरक बनता है और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। ये छाप पड़ती है दिल के ऊपर। जिस गीता के ऊपर कृष्ण आत्मा की छाप पड़ जाती है यही गीता का साकार भगवान है और दुनिया में कोई भी गीता का साकार भगवान हो नहीं सकता। ये दिल के ऊपर छाप बैठ जाती है
वो हो गई झूठी गीता। उस झूठी गीता के कंट्रोल से दुनिया नरक बनती है, और जिस गीता के दिल पर छाप बैठी हुई होती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का साकार भगवान है, वो गीता जब स्टेज पर आती है तो आने मात्र से ही एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है, उसी को मां बनता है। हाँ जी और सारी दुनिया के फीमेल बीज तो है, जैसे कोई भी वृक्ष के बीज बोए जाते हैं, मान लो पपैया ही है, पपीता, तो गोल गोल दाने तो सब एक जैसे देखने में आते हैं, लेकिन कोई दाना ऐसा होता है जिसमें फूल ही फूल निकलते हैं, फल नहीं लगते, वो नर वृक्ष बन जाता है, और कोई दाने से ऐसा बीज वृक्ष तैयार होता है जो फल ही फल निकलते हैं। वो मादा वृक्ष हो जाता है। तो 4.5 लाख जो अपने शरीर से कंचन काया बना लेंगे, उनमें आधे नर बीज और आधे मादा बीज। बाबा अभी चलने वाले जाएंगे तो एडवांस में चलने वाले कोई मरते नहीं है, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। जैसे कहते हैं लक्ष्मण को क्या हुआ, थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, संजीवनी बूटी चुगाई जाती है तो फिर होश में आ जाते हैं। होश में आने और बेहोश होने की बात है, बाकी अमरनाथ के बच्चे कभी मरते नहीं है। अभी जो मुरली में इनको अनुभव है, ये बता सकते हैं ये जो इसमें कब प्रवेश हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ? ब्रह्मा को ये कर रहे हैं तो ब्रह्मा कब बताया है? ब्रह्मा अपन को समझते थे कि नहीं समझते थे कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है, हैं? और मुख से कहते थे या नहीं कहते थे, हैं? नहीं कहते थे, कहते थे। ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा समझते थे या नहीं समझते थे? ब्रह्मा अस्मि ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी बुद्धि में था या नहीं था? शिवो हम ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी वाचा से सुनने वाले सुनते थे या नहीं सुनते थे? कि शिव का साकार स्वरूप मेरे स्वरूप के द्वारा है, आपका मिलता है। इससे क्या साबित हुआ? इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, इसका चित्र रखेंगे तो इसका चरित्र तुम बच्चों के अंदर आ जाएगा, तुम बच्चे भी शिवो हम बन के बैठ जाएंगे, ब्रह्मा हाथ में बन करके बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों सी पाई जाएगी वो बात को टैली होने का? क्या ब्रह्मापुर कहते थे हमारा,
कोई भी मुरली उठा लो। हर एक मुरली से ये साबित होता है कि ब्रह्मा अंदर से ये समझते थे कि शिव मेरे में प्रवेश है, शिव के साथ मैं खाता हूँ पीता हूँ खेलता हूँ। कोई प्रैक्टिकल में खाने पीने की बात थोड़ी है। हाँ बोलते भी थे और ब्रह्मा भी समझते थे, बोलते भी थे। प्रजापिता ब्रह्म है ना, वो नहीं कहते है, वो तो प्रजापिता है। वो ब्रह्मा नहीं कहते ना, वो बोलते, वो तो प्रजापिता है। वो जानता है कि अगर मैं अपन को कहूँगा कि मेरे अंदर शिव है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, अगर ये कहेंगे तो मुरली में क्या बोला है, हिरण्य कश्यप साबित हो जाएगा। ऐसा कहने की बात नहीं है, समझने की भी बात है। बाबा ने किस गीत का गुण गाया है? बाबा कहते हैं ना गीता का गुण गाया, जिस गीता का गुण गाया वो सच्ची गीता होगी, विभिचारिणी गीता होगी या अभिविचारी गीता होगी? गीता कैसी होगी? सच्चा किस आधार पर कहा जाता है? सच्चा और झूठा। भोजन रखा है, दो चार बंदर आकर के खा जाए, क्या कहा जाएगा? झूठा। झूठी गीता से बनता है नरक और सच्ची गीता से बनता है स्वर्ग। सच्ची गीता है शिव की गीता और झूठी गीता है कृष्ण की गीता। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी गीता कंट्रोलर थी? अरे यज्ञ के आदि में प्रजापिता के जाने के बाद यज्ञ में कंट्रोलर कौन थी? दो माताओं में से भी कंट्रोलर कौन थी? वो गीता माता के ऊपर कृष्ण की छाप थी या यज्ञ के आदि वाले व्यक्तित्व की छाप थी? तो झूठी गीता हुई या सच्ची गीता हुई? आना क्यों नहीं करते? जब तीसरी मूर्ति आ जाएंगे तब ज्ञान नहीं लगता, ज्ञान की दरकार नहीं है। क्यों? ज्ञान की दरकार उनको नहीं रहेगी जो कर्मातीत स्टेज को पालेंगे। ऐसे थोड़े कि सबको नहीं रहेगी। पूजा दिखाते हैं लेकिन टूटी हुई। हाँ जी, मतलब ये हुआ कि उनके कोई सहयोगी नहीं रहते हैं कोई टाइम, जब तक माला तैयार न हो जाए। माला बनने का यही तरीका है कि पता लगे कौन कहाँ तक सहयोगी है। बाबा किन जो फिक्स है, किन जो फिक्स है, ब्रह्मा बाप जगदम्बा, उसमें ब्रह्मा को वैष्णव देवी को कहा जाता है ना? है ब्रह्मा बाप जगदम्बा कहते हैं ना, किन फिक्स जो फिक्स है, उसमें ब्रह्मा जो है ब्रह्मा को वैष्णव देवी को कहा जाता है? नहीं, ब्रह्मा के भी पांच मुख दिखाए जाते हैं, उनमें एक मुख तो ऐसा है जो सुनने सुनाने वाला है,
और सुनने सुनाने वालों का मुखिया है। क्या सिर्फ सुनता है और सुनाता है, बाकी फिर नंबर वार है। जो सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं है, कुछ न कुछ समझते भी है और समझाते भी। तो अभी वो तीन फीट साकार में कौन है? ब्रह्मा बाप जगदम्बा जो तीन फीट है तो साकार में तो चाहिए ना ब्रह्मा। वो रुद्रमाला के अंदर की बात कही होगी या जो माला अभी मैदान में ही नहीं आई है उसकी बात कही होगी? ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, विष्णु कोई एक व्यक्ति नहीं है। विष्णु माने चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन। वो चार आत्माओं को भी चलाने वाला कोई और है। हाँ जी, विष्णु को ब्रह्मा बोला है साकार में तो वही हो। ब्रह्मा मना साकार में तो वही नंबर बार बोला है। तीन चीज फिक्स हुई है, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। तो असली ब्रह्मा कौन हुआ? जो पहले पहले काम करके दिखाता है। वो सर सर्वोपरि हो गया। फिर दूसरे नंबर पर कौन हुआ? दादा देख रहे कैसे हो जाएगा, जो जितना हो जाएगा उतने ही नंबर पे आके नीचे जन्म लेगा। हाँ जी, जो प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाए। ब्रह्मा की जगह में गीता माता आ गया, तो फिर जगदम्बा की जगह कौन सी? गीता माता गीता भी कौन सी गीता? जो काम संपन्न करके दिखाए। ये सिर्फ गायन मात्र बन करके रह जाए, होता है ज्ञान धारण करना और एक धारण किया हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। असली धारणा कौन सी हुई? जो समझे भी और दूसरों को भी समझाए। चैरिटी होती है तो खुद भी समझता है और दूसरों को भी समझाने में अव्वल नंबर जाता है। प्योरिटी में तड़ाप आती है तो लोगों को कष्ट पैदा होता है। ये कैसा? तो सर्विस होगी कि सर्विस होगी? लोगों की बुद्धि में बात बैठेगी, ये अनिश्चय पैदा होगा। एक आत्मा है ब्राह्मण परिवार की यूनिटी बनाने वाली और एक आत्मा है निमित्त बनती है बनी बनाई यूनिटी उसको उड़ाने वाली। महागौरी और महाकाली, इन दोनों पार्टों पार्ट में क्या अंतर है? जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। क्यों चेंज हो गई? क्या बताया? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा किसको बोल रहे? जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है अव्वल नंबर में। अव्वल नंबर में विष्णु बनता है जो सत्यु में राधा कृष्ण होंगे और संगम युग में जो राधा कृष्ण होंगे उसमें अव्वल नंबर कौन? फिर
हाँ जी बलि में दो हवाओं में भी शिव की प्रवेश होती है। वैसे भी बताया दिया है कि शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों सहज हो जाता? हाँ, क्योंकि वो आतुर संघारणी महाकाली का पाठ बजाती है। कौन? जगदम्बा। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये तीन चीज फिक्स हुई है। स्विट्जरलैंड की बैंक, यहाँ बेंद की घड़ियाँ बनती है, घड़ी बनती है ना, यहाँ की घड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो हद की भी है और बेहद की भी है। बेहद की घड़ी का पता नहीं है? क्या बोला? सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, आत्मा पानी का बुलबुला है, बुदबुदा। सागर में जो बुलबुले छूटते हैं ना, वो गोल गोल पड़ जाते हैं, जिसमें हवा भर जाती है पानी की, बुदबुदे कहते हैं उनको, बुलबुले। स्पाइस तो कहते हैं कि आत्मा एक बुदबुदा है, जो सागर में से बुदबुदा उठता है और सागर में लीन हो जाता है। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लिया तो ये है आत्मा और सागर है परमात्मा। ये चुल्लू पानी सागर में मिला दिया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, वो चुल्लू पानी सागर बन गया। कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है क्या? सागर खा रहा है, सागर में से जो चुल्लू पानी लिया जाएगा वो भी खा रहा होगा। उस खारे पानी को सागर में मिला दें कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, हर 5,000 साल के बाद जो का जो पाठ बजाती है वापस आकर। तो लीन कैसे हो जाएगी? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्मृति में लीन हो जाती है, वो सदाकाल के लिए नहीं, नंबरवार अल्पकाल के लिए मन मना बहु हो जाती है। कोई आत्मा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में रहती है और कोई आत्मा बहुत थोड़े समय के लिए निराकारी स्टेज में रहती है। जितना निराकारी उतना निर्विकारी और निरहंकारी। वो क्या है? बरसात ज्यादा हुई, बहुत बरसात होने से बंबई में पानी इकट्ठा हो गया और सागर में ज्वार और भाटा आता है, तो जब ज्वार आया तो सागर का पानी किनारे पर उछाल मारता है और इधर से बरसात का पानी समुद्र में पहुंचता है,
निकलने का रास्ता मिलता नहीं, तो सागर में जो पानी वहाँ पहुँचा उन्होंने समझ लिया कि वहाँ मीठा हो गया। गुरुद्वारा या कुछ नजदीक है उसके लिए वो गुरु कृपा से हो गया है। सब कहने की बात है ना। बाबा भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान सर्व रहते हैं, और ब्राह्मण संदर्भ में कहते हैं भगवान एक व्यापी है। भगवान एक व्यापी नहीं, एक व्यापी कहते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं एक व्यापी है। ब्राह्मणों की बेसिक, ब्राह्मणों की दुनिया में कहते नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर उनसे पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है तो बताते है? क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। भगवान के अंदर तो आता, भगवान तो ब्रह्मा के अंदर आता था, ज्ञान सुनाकर चला गया, अब स्वर्ग कौन बना देगा? तो भगवान कौन हुआ? मनुष्य नरक की दुनिया को स्वर्ग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो प्रैक्टिकल जीवन उनका ऐसा बन जाता है कि वो हम समझ के बैठ जाते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी समझ के बैठ जाते हैं। भले मुख से कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब उनसे बताया कहा जाए कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो बताओ, तो चुप्पी साध जाते। क्योंकि अष्टदेव ज्यादा पावरफुल होते हैं संगम युग में, या अष्ट रतन ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो सूर्यवंश की विशेष आठ आत्माएं हैं उनको भगवान बाप का सहयोग मिलता है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण उन अष्ट रतनों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो प्रवेश करने के कारण वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उस अंतिम समय के पार्ट की यादगार में बता दिया गया है कि अष्टरतन के ये गुण हैं, अष्टदेव के ये गुण हैं, और दोनों के गुण समान हो जाते हैं। उदयनगर में सूर्योदय होना चाहिए, उल्टा हो गया या चंद्रोदय हो गया? कलियुग की छुट्टी में दिखाई नहीं पड़ा है? हाँ जी, और कुछ जोर से बोलो जो कान में आवाज पड़े। हाँ हैं, और क्या, किसके पैरों से बना है? भगवान क्या ऊपर से लाता है? ब्रह्मा बाबा क्या ऊपर से लाए थे? कहाँ से लाए थे? कुछ मेहनत करके कमाया था उन्होंने। और दशरथ पटेल भी कहते हैं भगवान भीख मांग के पहले कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करेगा क्या?
भगवान जो है अपना तन बंधन से स्वरूप की स्थापना करता है। ये पाठ मेरा है क्या, मैं किसी से धन दान नहीं लेता, अपने ही कमाए हुए तन मन धन से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। माया को सर्वशक्तिमान कहते हैं, इसलिए तो माया तो बाप का काल में विघ्न डालता है। तो विघ्न डालने में ही सर्वशक्तिमान है भगवान। अगर सर्वशक्तिमान है, माया सर्वशक्तिमान नहीं है, तो विघ्नों को रोक दे। और 70 साल से नाक क्यों रगड़ रहा है, है? और भस्मासुर के डर से भागा भागा क्यों फिरता है, कंस के डर से गावड़ों गावड़ों में छुपा हुआ क्यों फिरता है, कांटों के जंगलों में बंदरों के बीच में क्यों रहता है, मैदान में आए ना, मैं भी ड्रामा के बंदर में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन है, ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन, ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर तो वही है जो पर्दे के पीछे रहता है, देखने में नहीं आता। राम की श्रद्धा सावकाश हो जाते बनी बनाई लेना चाहिए या अपना कमा के खाना चाहिए, ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, अपना कमा के खाना ज्यादा अच्छा है या कमा कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा है, अपना कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा है। भगवान को भी आराम करने की दरकार, राम वाली आत्मा भगवान नहीं होता है, हाँ तो संगम युग में भी वो संघर्ष ही करता रहता होगा, है? संगम युग में भी राम वाली आत्मा हर समय संघर्ष करने में मजा लेती होगी। सत्य और असत्य का संघर्ष महाभारत युद्ध है, सत्य और असत्य का संघर्ष रामायण का युद्ध है, सत्य और असत्य का संघर्ष देवापुर संग्राम है। तो ये धर्म की स्थापना करना कोई खराब बात है क्या, सत्य धर्म की मेहनत का ही कोई, अरे सुख आत्मा भागती है या शरीर को सुख होता है, शरीर के बिना तो दुख नहीं भोग सकते ना। अच्छा करोड़पति लखपति और मल्टी मिलियनेयर है उनके शरीर को ज्यादा सुख होता है या जो कंकड़ों पे लेटते ही सो जाता है उसको ज्यादा सुख होता है, तो फिर क्या नहीं बोला, सुनाई थी तो चल रहा है अभी। ब्रह्मा बाबा जब आखिरी दम पे आ जाते हैं 67-68 में तो गुड नाइट बोलना शुरू कर देते हैं। और अद्वैत वाणी में तो लगातार गुड नाइट ही बोलते हैं। नाम सीधे थोड़े चले जाएंगे, तपस्या पूरी होगी तो पहले शांति धाम जा रहे या सुखधाम जा रहे, पहले तो सुखधाम नहीं जाना पड़े, पहले शांति धाम बाप के घर में जाना पड़े। हाँ जी वहाँ का सुखधाम होगा तो बाप के घर जाएंगे ना, ठीक है, जो ज्ञानी योग्य होंगे,
विजय माला के मणके बनेंगे, पांच विकारों पर जीत पहनेंगे, वो जाएंगे अकेले जाएंगे नीचे जाएंगे। बिना युगलों के तो कोई जाने वाले है ही नहीं, तो दोनों जाएंगे। जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जाएंगे, और जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जोड़ी जाएंगे। तो पहले के लिए युगल जोड़ते हैं लक्ष्मी नारायण तो शंकर वाली राम पाने तो आत्मा की बात है या शरीर की बात है? दोनों का। जो बच्चों की पैदाइश होगी वो आत्म के बल से पैदाइश होगी या शरीर के अंगों से आंख वगैरह से होगी? आत्म बल से ही होगी ना। तो सारी जो शक्ति है वो आत्मा की है। इसलिए बोला है आधे पाप आत्मा और आधे पुण्य आत्मा रह जाएंगे। जाएंगे कहाँ, वो तो आत्मिक स्टेज की बात है। सिंगल सिंगल जाएंगे, देवान भरा पड़ा है, बाकी नहीं कुत्ते में बैठनी रुकी है बाबा। बन जाएगा तो जाएंगे अरे आत्म की स्थिति में जुदाई महसूस नहीं होती है। जिनको देवान होता है उनको जुदाई महसूस होती है। जब तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तो भगवान बाप नजदीक रहेगा या दूर रहेगा? नजदीक रहेगा। तो ये कहेंगे कि फिर छूट जाएगा क्या? तो विधिमाला के आत्मिक स्थिति में जाएंगे, शरीर स्थिति में जाएंगे। शरीर शरीर लगा हुआ है, अंत में ऐसी स्टेज होगी कि शरीर का भान रहेगा ही नहीं। और बनेंगे बोला है जी। तो सतयुग में आठ राजाए हैं, तो आठ के दो दो बच्चे हुए तो भी कितने होंगे? सोलह हुए। त्रेता में बारह, तो बारह दिन चौबीस, चौबीस कैसे बात होगा? ढेर राजाए होंगे। ढेर कहाँ में महाराजाए होती है, महाराजा सिर्फ एक ही होता है एक जन्म में, और त्रेता में महाराजा नहीं होंगे, सम्राट नहीं होंगे, क्या होंगे? राजा होंगे, और वो अनेक तादाद में होंगे। तो उनके प्रिंस प्रिंसेस भी अनेकों की तादाद में होंगे। अनेक मान 16,000 हो जाएंगे। हाँ, आठ 16 कम 16,000। तो द्वापर क्या बनेंगे? द्वापर क्या बनेंगे? द्वापर में कौन सी राजा होंगे? द्वापर में भी महाराजाएं होते हैं भारत में, कलयुग में फिर राजाएं होते हैं। तो वही क्षेत्र फिर बनते रहेंगे और क्या। तो नई जनरेशन शुरू करना है क्या? रावण जी बहुत पर्दा खोलने वाला है, समस्या होने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई ऐसा भी बताया। रोने वाला है तो फिर अपना पार्ट पर संतुष्ट करना है। ड्रामा में रंगमंच में कोई विधवा का पार्ट बजाती हो, विडो का पार्ट बजाए, और विडो का पार्ट बजाते समय उसे हंसी छूट जाए, रोना ना आए, तो पार्ट अच्छा कहा जाएगा बुरा कहा जाएगा? है बुरा कहा जाएगा ना। तो जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो तो पार्ट उसे बजाना ही पड़े। रावण का नाम ही है रावण, तो किस आधार पर रावण नाम पड़ा? जो दूसरों को रुलाता है, रुलाने वाला खुद रोता होगा कि नहीं रोता होगा? इसलिए बोला है कि पुरुष अंदर से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते, और माताएं आंसुओं से रोती हैं।
इसलिए जो रोने वाला रावण है, रुलाने वाला है, उसको रोना लाजमी है, उसका पार्ट है। जब ड्रामा खत्म हो जाएगा तो रंगमंच ही नहीं रहा, तो बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा। रावण के सर के ऊपर गदा कौन है? किसने बताया? रावण के सर पर जो गदा दिखाते हैं वो गदा किसका पार्ट है? क्या बाबा ने बताया है? मुरली में तो आया है कि रावण के सर के ऊपर गधे का पार्ट होता है। गधा जो है उसकी खासियत क्या बताई है? कपड़ा धोने का काम तो बाथरमैन का है, धोबी का है। धोबी तो शिव बाबा है, है? हाँ, जो गंदे गंदे कपड़े होते हैं वो गधे की पीठ पे लाद दिए जाते हैं। उन गंदे कपड़ों को यज्ञ के आज से लेकर के और गण छत्तर तक धो करके कौन लाता है? अरे अपनी पीठ पर धो करके कौन लाता है? इनके ऊपर तो जिम्मेवारी बहुत है। तुम बच्चे हो तो मेरे से भी याद में ज्यादा सीखे जा सकते हो। तो ज्यादा वजन किसके ऊपर हुआ? गधा कौन हुआ? कौन बता रहा है? तो गधा बन जाते। चार भुजा में गधा नहीं होता है, वो गधा नहीं ना बनता। गाँव में जब आता है तो गधा नहीं कहा जाता है। जब युद्ध करते हैं तो एक होता है धनुष बाण, तीखा बाण लगता है, नुकीला बाण, और जो गदा होता है उसमें नोक नहीं होती है, तीखापन नहीं होता है, वो सीधा सीधा चलाया जाता है। क्या? तो ऐसे ही जो ज्ञान है, एक तो होता है सीधा सीधा ज्ञान सुनाना और एक होता है तीखी बात मारना, तो फर्क होता है दोनों में। त्रिशूल में तीन बाण दिखाए जाते हैं, राम को बाण दिखाए जाते हैं और गदा किसको दिखाया जाता है? हनुमान को या राम को? क्यों? हनुमान जी संजीवनी अंगूठी लेने गए, उनको पहले से पहचान बता दी थी कि ये भूति की ये पहचान है, उन्हें याद नहीं रहा। नहीं याद रहा तो गधा बुद्धि हुई या तीखी बुद्धि हुई? तो हनुमान को बाण नहीं दिखाया जाता, क्या दिखाया जाता है? गधा दिखाया जाता, सीधा सीधा लिया और मार दिया। ब्रह्मा तो करके जो उसमें जन्म लेता ही है, शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि राम का गुरु कौन था? तो जो विशेष रूप से पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठ गया उसको फिर नाम रख दिया वशिष्ठ जी। कहते हैं राम को, हे राम, ये संसार जैसे बना ही नहीं,
क्यों? क्यों तो खुद तो उन्होंने आराम से चैन की बंसी बजा करके सारा पुरुषार्थ कर लिया। इन्होंने सत्य वाली आत्मा ने, और राम के लिए कहते हैं तुम ऐसे समझो जैसे दुनिया बनी ही नहीं, क्योंकि उनको अपने जीवन में संघर्ष करना है, इसलिए उनको ये पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए दो ऋषि विशेष दिखाए जाते हैं, एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र। विश्वामित्र को क्षत्रिय दिखाते हैं और वशिष्ठ को ब्राह्मण दिखाते हैं। क्या जो वशिष्ठ जी हैं वो गौ के स्वामी हैं, गौ का स्वामित्व उनके हाथ में है। विश्वामित्र के पास वो गौ नहीं थी, इसलिए उन्होंने मांगा वशिष्ठ जी से ये गौ हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, हम नहीं देते तुमको, अगर नहीं देंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, जो कुछ करना उसे करो। विश्वामित्र ने अपने वाहन और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ना शुरू कर दिए, उनके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार चले गए। वो जो अस्त्र शस्त्र फेंकते थे वशिष्ठ जी अपना दंड आगे कर देते थे, उनका अस्त्र शस्त्र कट जाता था। तो उन्हें ग्लानी आई विश्वामित्र को, धिक्कार ऐसे क्षत्रिय बल को, ब्रह्म तेज का बल ही विशेष बल है, किंतु ब्रह्म तेज का बल आत्मिक स्थिति से पैदा होता है। और फिर उन्होंने फिर दोबारा तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्म तेज हासिल कर लिया और उनसे गौ ले ली। तो ज्यादा पुरुषार्थी कौन दिखाया गया? विश्वामित्र को। और बाबा गंगा पाई कपिराज, गंगा पाई कपिराज क्या होता है ना, ऐसा चार गोड़ों का रक्षक है ना, तो महाभारी महाभारत युद्ध में वहाँ वो चार गोड़ों का रथ में ऊपर एक झंडा होता है, उसमें कपिराज माना हनुमान को दिखाया जाता है। इसका ये तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात है, जो ब्रह्मा की सोल है वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही, जो भी रुद्रमाला के मन के हैं उनको इंस्पिरेट करने का पार्ट है। जब तक वो है तब तक रथ सही चलता है। और अर्जुन को आ गया अहंकार तो ध्वजा उतार दी जिसमें हनुमान था। तो हारने लगे, यही अर्थ है। बाबा चित्रमाला में हर धर्म की चिंता चले हुआ है ना, आई तो दिल्ली वालों ने भी देखे, जो विजय माला की आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म वालों के संसर्ग संपर्क में आती है क्या? कि संसर्ग संपर्क में आने से पहले ही अपने को स्वाहा कर देती है, तो छिलका होने का सवाल ही नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं और रुद्रमाला के मन के, उनके ऊपर तो दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है संग के रंग का। छिलके को डंडे से कूटना पड़े, और चलो फिर खड़ा।